अगर फ्रेंड्स आपके पास है सैमसंग का गैलेक्सी M04 और आपको इस फोन में करना है कॉल रिकॉर्डिंग, तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं आप कैसे इस फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपका जो डायलर है ये आपको ओपन करना होगा। ऊपरी ओर आपको देखने को मिलेंगे 3 डॉट, इन पर क्लिक करके जाइए सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद रिकॉर्ड कॉल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आप ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा दो अलग तरीके से भी कॉल रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए यहां से क्लिक कीजिए और कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। अगर आपको केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना है जो कि फोन के अंदर सेव नहीं है, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहां देखने को मिलेगा कॉल विद अनसेव नंबर, यहां सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपकी केवल उन्हीं नंबर की कॉल रिकॉर्ड होगी जो कि इस फोन के अंदर सेव नहीं होंगे। अब आपके कोई ऐसे 2-4 प्राइवेट नंबर है जिनकी केवल कॉल रिकॉर्डिंग को आप करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट करना होगा। यहां देखने को मिलेगा नंबर 2 ऑटो रिकॉर्ड, इस पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ कॉन्टेक्ट पर जाइए, जो भी कॉन्टेक्ट होंगे आपके इस फोन के अंदर वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो किस किस नंबर की आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है उस पर सेलेक्ट कीजिए और कंफर्म कर दीजिए, वो आपका नंबर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। नंबर अगर कॉन्टेक्ट में सेव नहीं है आप यहाँ पे ऐड करके भी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग को चालू करा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक कीजिए, नंबर को डायल कीजिए कुछ इस तरह से, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे तो ये नंबर यहाँ ऐड हो जाएगा, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से इस फोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी।